हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है इसके फिर से एक नए वीडियो में। मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके चुका हूँ गाइस, रेडमी 10A फ़ोन के बारे में। एंड आज का मैं टॉपिक होने लगा है जो है फिंगरप्रिंट अनलॉक के बारे में अपन बात करेंगे। मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा गाइस, आप अपने फ़ोन में किस प्रकार से फिंगरप्रिंट अनलॉक को सेट कर सकते हैं या फिर चेंज भी किस प्रकार से करेंगे। पूरी जानकारी मैं आपको आज के वीडियो में देने वाला हूँ गाइस। बात करने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपन चलते हैं फोन की सेटिंग में और बात करते हैं टॉपिक के बारे में गाइस। सिंपली आपको देखिए सेटिंग को ओपन करना है एंड यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शन मिल जाएगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का। आप इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको देखिए सेकंड नंबर पे फिंगरप्रिंट अनलॉक का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। इस पर क्लिक करेंगे एंड गाइस यहाँ पे आपने जो भी स्क्रीन लॉक लगाया था आप इसको यहाँ से खोल लेंगे पहली बारी में। एंड सेकेंड बारी में गाइस आपको अपने फिंगरप्रिंट पर क्लिक करना है। देखिए मैं क्लिक करते जा रहा हूँ, क्लिक करते जा रहा हूँ तो मेरे फ़ोन में देखिए गाइस जैसे कि फिंगरप्रिंट सेट हो रहा है। देखिए आज मेरे फ़ोन में फिंगरप्रिंट सेट हो चुका है, मैं इसको डन कर दूंगा। तो देखिए आज मेरे फ़ोन में फिंगरप्रिंट सेट हो चुका है। एंड अगर आप इसमें जो है किसी और का भी फिंगरप्रिंट ऐड करना चाहते हैं तो ऐड फिंगरप्रिंट पर आप क्लिक करेंगे एंड उसका जो है फिर से अपनी स्क्रीन लॉक खोल लेंगे। एंड गाइस आपको उससे फिंगरप्रिंट पर क्लिक करते रहना है तो आपके फ़ोन में जो गाइस फिंगरप्रिंट भी सेट हो चुका है एंड चेंज भी हो चुका है। एंड सेटिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।